फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहिल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं अंडे की सब्ज़ी बनाने। अंडे को बॉईल करके हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। सो जिनको नहीं आता है वो हमारे वीडियो देख के आज अंडे की सब्ज़ी बनाना सीख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसी आप देख सकते हैं 2-6 अंडे और अंडों की जो मटेरियल जो अंडों में पड़ना है वो रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज है 2 और 1 टमाटर और लहसुन और मिर्च। तो फ्रेंड्स, ये रेडी है और हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। और हम अब कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल पड़ गया है हमारा और ये फॉर्च्यून का रिफाइन ऑयल है। आप फॉर्च्यून का सरसों का भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और हमारा ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा सो हमें पहले अंडों को तलना है। तो हम 3-3 अंडों को तलेंगे। 6 अंडे हैं हमारे पास। तो हमने अपना चम्मच निकाल लिया है बड़ा वाला, तो इस बड़े वाले चम्मच से ही हमें अंडों को जो है कि तलना है। और ध्यान से तलना है कि ऊपर तेल ना आए। और ये मैंने अंडे डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि अंडे ऑयल में हैं और अभी तेल बहुत अच्छा गर्म नहीं हुआ था तो मैंने पहले ही डाल दिया। तो आप तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। मुझे लगा कि मेरा ऑयल गर्म हो गया है। मैं अकेला हूँ, वीडियो बनाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे वीडियो बनाने और सब्ज़ी बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट फिर भी मैं आपके लिए बनाता हूँ कि आप देखें और सीखें और बनाएं। प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम से लड़के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये ऑयल बहुत छिटकता है फ्रेंड्स, तो ध्यान से आप जल ना जाए कहीं पर। मैं काफ़ी ध्यान से बनाता हूँ, मैं जल भी चुका हूँ कई बार, तो इसलिए मैं काफ़ी ध्यान से बनाता हूँ। तो आप जितना अच्छे से अपना अंडों को अच्छा तल सकते हैं, तो मुझे कम तला हुआ अंडा चाहिए होता है, तो मैं उसे नॉर्मली फ्राई करूँगा। सो फ्रेंड, हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। सो हमने अंडों को निकाल दिया बाहर। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हुए हैं अंडे। और अब हमें आपको अब मिर्च डालना है। सो मिर्च को हम ऑयल में डालते हैं। मिर्च के बाद हमें प्याज डालना है ऑयल में। तो ये है हमारा प्याज और इसको हम डालेंगे अब ऑयल में। तो हमारी प्याज पड़ चुकी है और हमारी प्याज अभी भुना रही है, तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है। प्याज अच्छी खासी भुना जाएगी तो उसके बाद हमें जो है कि मसाला अपना डालना है। तो प्याज में आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो कि प्याज को गलाने में काफ़ी मदद करेगा जल्दी। तो मैंने ये नमक डाल दिया और अब मैं इसे थोड़ा सा चला देता हूँ। ये नमक पूरा प्याज में घुल चुका है और अब मैं इसे ढक देता हूँ, तो ये जल्दी गल जाएगा। अब इसे हम खोल के देख लेंगे क्या है हाल इसका। तो इसका हाल अभी ठीक है फिलहाल। ये हल्का ब्राउन हो चुका है और अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को मैंने कूचा नहीं है, तो आप इसे पेस्ट भी बना सकते हैं कूच के और पीस ले सकते हैं आप।
क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जाना भी है जॉब पे, तो मुझे लेट हो रहा है। अब इसे हम कुछ टाइम के लिए फिर ढक देते हैं। और ये हमारा टमाटर रेडी है। जैसे हल्का हल्का प्याज पकड़ा वैसे आपको टमाटर को डाल देना है, और काफ़ी बारीक टमाटर काटना है जैसे मैंने टमाटर को काटा है। सो फ्रेंड्स, इसे हम खोल के अब देख लेते हैं। तो ये प्याज एकदम रेड हो चुका है, आप देख सकते हैं प्याज रेड हो चुका है। और इसको आप पलटे थोड़ा सा खून लें, और इसके बाद आप इसमें टमाटर ऐड कर दें। मैंने टमाटर ऐड कर दिया, और इसे अब हम थोड़ा सा चला देंगे। इसे अब हम चला देंगे और टमाटर गल जाएगा और हल्का हल्का जब पकड़ने लगेगा तो हमें मसाला डाल के और हल्का पानी डाल के मसाले को भूनना है। तो अभी हम इसे ढकेंगे थोड़ा सा, और इसको ढक दिया। और हम मसाला ये यूज़ कर रहे हैं राजेश मीट मसाला, और ये हम पूरा नहीं आधा डालेंगे क्योंकि पूरा डालने पे ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो ये 5 रुपये का है, फिर भी हम इसे आधा डालेंगे। आधा डालने पे बहुत ही अच्छा बनता है टेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अब देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ये राजेश मसाला 5 रुपये का, और इधर भी देख सकते हैं आप। इसका मैं यूज़ करूँगा, इससे काफ़ी टेस्टी मीट और अंडा बनता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा टाइम हो चुका है, अब इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पक चुका है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें मसाले को ऐड करेंगे, और ये रहा मसाला, और इसमें हमने इस मसाले को ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा हम पानी को ऐड करेंगे, और पानी में ऐड कर दिया। अब इसे हम थोड़ा पकाएंगे। आप हल्दी डाल सकते हैं, पर मुझे हल्दी नहीं डालना क्योंकि मुझे ऐसे ही थोड़ा मसाला पीला पीला लगता है। तो आप इसमें हल्दी का यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। ओके, और मैं इसे थोड़ा सा ढक देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम खोल के देख लेंगे क्या पोजीशन है मसाले का। तो हमने इसे खोल लिया है, और इसमें हमें लगता है थोड़ा सा वाटर ज़्यादा हो गया, तो इसे हम खोल कर पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल बिल्कुल अच्छे से ना छूटे। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया है, और अच्छे से जब तक ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसे हम पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, तब इसे हम चलाएंगे, और तो फ्रेंड्स ये पानी सूख चुका है, और हम इसे चलाएंगे। बहुत अच्छा ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें अब आप पानी डाल सकते हैं, पर मैं इसे अभी थोड़ा सा और पकाऊंगा। देख सकते हैं कितना अच्छा ऑयल छोड़ रहा है, देख सकते हैं कितना अच्छा। तो मैं फ्रेंड्स अब इसमें ऑयल और वाटर को ऐड करूँगा। आप अपने हिसाब से वाटर ऐड कर सकते हैं, हमें 2 लोगों को खाना है तो हम इसमें अपने हिसाब से वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी वाटर को ऐड कर दी। सो फ्रेंड्स, हमने अंडे अब डाल दिए हैं इसमें, और इसे हम आपको चला के दिखा देते हैं। और इसमें अंडे बढ़ चुके हैं, और अब इसे हम गैस को हाई कर देंगे और थोड़ा सा पकने के लिए रख देंगे, और इसे हम ढक भी देंगे। हमने इसे ऑन कर दिया फ्रेंड्स, खोल दिया,
और देख सकते हैं आप इसमें बॉईल आ रहा है। तो आप इसको पानी को 10 मिनट 5 मिनट अपने हिसाब से पका के, और अगर ज़्यादा हो तो अपने हिसाब से कम करके आप इसे उतार सकते हैं नमक टेस्ट करके। और ये हो चुका है और मैं अब इसे थोड़ा सा पकाऊंगा, उसके बाद उतार दूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो ऊपर का कलर है कैसा कलर आया है। सो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी अंडे की रेडी है, अब हम इसे खा सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी है और बहुत अच्छा है। अब इसे हम खाएंगे और खाने के बाद अपने जॉब पे यानी ड्यूटी पे जाएंगे, जिसे जॉब या मजदूरी कुछ भी बोल सकते हैं। और ये हमने आपको चला के दिखा दिया, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट करिए।